नमस्कार, आगे बढ़ते हैं और अभ्यास पाठ संख्या 16 की बात करते हैं। और आज बात होगी एकादश भाव की। एकादश भाव को किस तरह से समझना है, तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि ये भाव अशुभ भाव है, इसको नहीं भूलते। इसीलिए एकादश के स्वामी को अशुभनाथ भी कहते हैं। अब साहचर्य की बात हमने बहुत जगह पर बताई, लेकिन अलग से पाठ नहीं दिया है, बहुत लोगों का डिमांड है, हम अच्छी तरह से उसको भी बताएंगे, कुछ यहाँ भी समझेंगे। तो एक तो एकादश नाथ यदि त्रिकोण के स्वामी हो, तब तो हम कह सकते हैं कि चलो इसको दोष नहीं लगा, लेकिन यदि एकादश स्थान का स्वामी अष्टम स्थान का भी स्वामी है तो हम इसको अशुभ नाथ ही कहेंगे। एकादश स्थान का स्वामी केंद्र स्थान का भी स्वामी है, जैसे मेष राशि में 10 यहाँ 11 यहाँ तो शनि हो जाएगा, तो हम अशुभ नाथ ही कहेंगे। लेकिन एकादश स्थान बढ़ोत्तरी का स्थान है और आज वर्तमान युग में कलयुग में सबको विकास चाहिए, सबको बढ़ोत्तरी चाहिए, सबको पदोन्नति चाहिए। और हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एकादश स्थान में कोई भी ग्रह जाए तो उस ग्रह के कारकत्वों की वृद्धि कहनी चाहिए। तो सबसे पहले एकादश में कौन बैठा, सूर्य बैठा, तो सूर्य के कारकत्वों की वृद्धि हो जाएगी। एकादश में कौन बैठा, बुध बैठा, तो बुध के कारकत्वों की वृद्धि हो जाएगी। एकादश में कौन बैठा, केतु बैठा, तो केतु के कारकत्वों की वृद्धि हो जाएगी। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की पत्रिका है और आप लोग उनको देखते हैं, बोलते हैं, वो सुनते हैं, उनके कार्य को भी आप लोग देखते हैं कि किस तरह से काम करते हैं, अपने पार्टी के साथ क्या सहयोग है, अपने मंत्रालय में वो किस तरह से काम करते हैं, अपने मंत्रियों के साथ कैसा व्यवहार है, जनता के प्रति क्या सोचते हैं, ये सब आप लोगों को पता है। क्या एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होने का प्रभाव कहाँ से प्राप्त होता है, तो सूर्य से प्राप्त होता है। तो यहाँ संयोग से सूर्य ही दशमेश है, तो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और बुध के साथ स्थित होने से बुद्धि भी बहुत अच्छा है, तो बुद्धिमान है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और यहाँ से देख लीजिए, बुध की दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर है, तो यहाँ विवेकी भी होंगे, तो बुध से संबंधित सारे परिणामों की वृद्धि, सूर्य से संबंधित सारे कारकत्वों की वृद्धि। अब केतु क्या कहता है, वो आरएसएस में रहे, भाजपा में आए, कभी दल नहीं बदला, कभी पार्टी के खिलाफ बोला नहीं, ये प्रभाव कहाँ से आया, ये केतु से आया। केतु जिसके साथ चलता है, जीवन भर चलता है, बदलता नहीं है, चाहे वो वहां सुखी रहे दुखी रहे, वो उसके साथ चलते रहता है। तो ये गुण भी उनके अंदर है, जिस कार्य को करेंगे उसको करते रहेंगे, उसमें वो पीछे नहीं हटते, ये गुण केतु से आता है, वो भी उनमें है। अब आ जाते हैं एकादश स्थान पे पुनः। अब एकादश स्थान को देखने के लिए लग्न लग्नेश ये सब चंद्रमा ये देख लिया हमने, हर भाव को कैसे देखते हैं वो भी देख लिया। तो अब फिर यहाँ एकादश की बात करेंगे, तो सबसे पहले एकादश स्थान को देखेंगे। एकादश स्थान में कौन सी राशि है, कन्या राशि है, उसके स्वामी कौन है, बुध है, कहाँ स्थित है, वहीं स्थित है। तो कोई भाव बलवान हो, जब भाव 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 में ही भावेश हो, भावेश यदि यहाँ होता है, यहाँ से दृष्टि देता तो भी बलवान होता। भाव में कोई उच्च के ग्रह हो, स्वयं बुध यहाँ उच्च के कहे जाते हैं, तो यहाँ पे बुध का स्थित होना इस भाव को भी बलवान बनाता है और स्वयं बुध को भी बलवान बनाता है। अब आ जाइए कि एकादशेश भी वही है, उसके ऊपर और किन किन ग्रहों का प्रभाव है, भाव और प्रभाव, भाव के ऊपर प्रभाव, भावेश के ऊपर प्रभाव और कारक के ऊपर प्रभाव। तो यहां भावेश के ऊपर क्या प्रभाव है, तो बुध सूर्य के साथ केतु के साथ है, किसी ग्रह से दृष्ट है तो किसी अन्य ग्रह से दृष्ट नहीं है, राहु केतु अक्ष में तो है,
भावेश की युति एकादशे से ये अच्छी युति है, ये दशमेश एकादश में एकादशेश के साथ है, तो प्रोन्नति पदोन्नति में बढ़ोत्तरी में कहीं कोई रुकावट नहीं आई। जब इनके नाम की घोषणा हुई थी, आप लोग समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे, आजकल तो न्यूज चैनल वगैरह बहुत आगे है, तो मोदी जी आएंगे तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा, मोदी जी आएंगे तो नीतीश जी भाग जाएंगे, कौन आया कौन गया कौन भागा कौन रहा क्या हुआ नहीं हुआ ये सब हमारे और आपके बीच है। और उस समय लगता था कि इनका नाम प्रस्तावित होना भी मुश्किल है, प्रस्तावित भी हुआ, पद को भी प्राप्त किए। ये है कर्मेश का एकादश में जाना और एकादशेश के साथ होना। अब कारक की बात कर लेते हैं, तो कारक गुरु एकादश के कारक गुरु कहाँ हैं? केंद्र में है। हम हमेशा कहते हैं स्थिति तो देखना ही देखना। अब केंद्र में है, दृष्टि किसकी है? मंगल की है। दृष्टि किसकी है? शनि की है। तो गुरु के ऊपर दृष्टि अच्छी नहीं, कारक को कमजोर जरूर कहेंगे, लेकिन कालपुरुष की पत्रिका में गुरु चतुर्थ स्थान में ही उच्च के होते हैं। अब कहेंगे इतनी बुरी बुरा प्रभाव है गुरु के ऊपर, फिर भी तरक्की कैसे? तो गुरु यदि शुभ होता तो ज्यादा परेशानी होती मंगल और शुक्र के शनि की दृष्टि से। यह हम अपने अभ्यास की बात बता रहे हैं, आप लोग को पसंद आए तो इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, ना पसंद आए तो कमेंट में लिखिएगा। और किसी न किसी रूप में इस चीज को बताया गया है कि यदि कोई बहुत ही सज्जन पुरुष है उसको कोई भी परेशान कर सकता है, लेकिन यहाँ वक्रता प्राप्त करने के कारण यहाँ गुरु शनि की राशि में है और वक्री भी हो गए, तो इनमें भी अशुभता आ गई, इसीलिए शनि और मंगल के प्रभाव को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। अब आ जाइए, हम आपको इनके प्रकृति की एक और बात बताते हैं। विदेशों में नाम है, बहुत लोग इज्जत करते हैं, सब चीज है, लेकिन उतने ही लोग अब्यूज करते हैं, उतने ही लोग इनको गलत बोलते हैं, उससे कहीं ज्यादा गलत बोलने वाले लोग हैं। उनके प्रभाव और व्यक्तित्व के कारण उनका मान सम्मान बढ़ता है, लेकिन यदि कहेंगे कि आडवाणी जी के इतना मान सम्मान मिला क्या? नहीं मिला। वाजपेयी जी के इतना मान सम्मान मिला क्या? नहीं मिला। जबकि पद और प्रतिष्ठा उनसे अधिक प्राप्त किया इन्होंने, देश और विदेशों में बहुत डंका बजा, लेकिन उनको हमेशा वो स्वयं ही काउंटिंग कराते रहते हैं कि इतनी गालियां लोगों ने दी। तो हम यहां कहेंगे कि गुरु वक्री है, इसीलिए सब कुछ बर्दाश्त करके विचलित नहीं होते। अगर ये वक्री नहीं होता तो विचलित हो जाते और फिर अपने पद पर जो काम कर रहे हैं वहां भी प्रभाव जाता। तो एकादश स्थान को हम लोगों ने देखा, एकादश देखा, एकादशेश देखा और कारक देखा। तो एकादशेश की स्थिति नवांश पत्रिका में, वहां भी सूर्य बुध के साथ, यहां भी सूर्य बुध के साथ, यहां एकादश में तो यहां सप्तम में, तो केंद्र में ही गया, तो केंद्र को तो शुभ स्थान भी कहते। अब गया किसकी राशि में? तो अपने मित्र की राशि में, शनि की राशि में गया। तो लेकिन यहाँ ये स्वयं की राशि में थे और यहाँ ये मित्र की राशि में गए, तो थोड़ा कमजोर जरूर कहेंगे। अगर ये अष्टम चले जाते, द्वादश चले जाते तो ज़्यादा कमजोर कहें। केंद्र में हैं लेकिन जितना इनको ताकत मिलना चाहिए था उतना ताकत नवान से नहीं मिला। तो ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हमेशा हम कहते हैं कि दशा के प्रभाव को समझिए। तो दशा तो चूंकि हम लगातार इसी को पढ़ा रहे हैं तो दशा बदलना नहीं, चंद्रमा केतु राहु। तो क्या केतु की अंतरदशा में बुध का प्रभाव मिलेगा? तो एक ही लाइन समझिए, संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जात। तो यहाँ संगति किसकी है? सूर्य की, बुध की। तो केतु की अंतरदशाओं में भी उसकी संगति का फल मिलेगा। आप इनके प्रचार को देखिए और फिर आज प्राप्त पद को देखिए।
तो आपको पता चलेगा कि केतु की अंतरदशा में बुध और सूर्य के पर्याप्त प्रभाव थे और उस प्रभाव से प्रभावित होकर के केतु ने रिजल्ट किए। और चूंकि ये एकादश स्थान में केतु बैठा है तो संशय ही नहीं होना चाहिए था कि ये नहीं आएंगे। अब आ जाते हैं कि ये अष्टमेश भी था, तो चैनलों की भी बात कर लेते हैं, प्रिंट मीडिया की भी बात कर लेते हैं। इन लोगों का कहना था कि नहीं, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, एक चरण मतदान हुआ, लगता है कि स्थिति ठीक हो जाएगी, आगे बढ़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो हारेंगे ही हारेंगे, यहाँ तो इनका बहुत खराब स्थिति होगा, उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन बुरा होगा। अचानक क्या हुआ कि इलेक्शन के दरमियान ही आने लगा कि नहीं अब तो 300 पार, ये नारा नहीं था, ये सबने जाना भी था कि अब ये 300 पार जाने वाले हैं। तो क्या ये अष्टम का अचानक से कोई फल देना और अष्टमेश का लाभ स्थान में होना, अचानक से इनके लिए कोई भी घोषणा होती है और वो उस पद को प्राप्त कर लेते हैं, ये इनके जीवन में कई बार हुआ। तो सारी बातों को समझेंगे हम लोग, आगे भी समझेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि नवांश पत्रिका में भावेश के बल को कैसे देखा जाए, ये भी धीरे धीरे समझा है, आगे और क्लियरिटी आएगी। जब लग्न पत्रिका में किसी भाव को देखते हैं तो हम उस भाव को देखें कैसे, युति कंजंक्शन जिसको बोलते हैं उसका रिजल्ट क्या उसी ग्रह की दशा में मिलेगी या अन्य जिसके साथ बैठे उस ग्रह की दशा में भी उसका फल मिलेगा। तो जिसके साथ बैठा हो, अगर उस ग्रह बुध की तो दशा नहीं थी लेकिन बुध का फल फिर भी मिला केतु के साथ होने के कारण, तो इन सब बातों को यदि हम अपने दिमाग में धीरे धीरे बिठाना शुरू करें और सरलता पूर्वक, और हमने कहा है कि जब कभी भी पाठ को सुनिए या ज्योतिष को पढ़िए तो आपका दिमाग कितना शांत रहता है इस बात का भी ध्यान दीजिए। जितना शांत रहेगा रिजल्ट आपको उतना अच्छा मिलेगा, उतनी समझ अधिक होगी। तो एकादश भाव को हम लोगों ने अच्छी तरह से समझा, पाठ को क्रम से पढ़ते रहिए, परेशानियां जीवन में आती जाती रहती हैं, लेकिन परेशानियों के समय हम परेशान हों लेकिन जैसे उससे निकले तो हम अपने कार्य में लगे, आपसे भी यही उम्मीद करते हैं और हमारा भी प्रयास हमेशा यही होता है। कोई भी संशय हो कभी भी फोन कर सकते हैं। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।